नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं स्कोडा स्लेविया के बेस वेरिएंट के बारे में। जनरली बेस वेरिएंट पे हमें काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है और फीचर्स भी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्कोडा स्लेविया के बेस वेरिएंट फीचर लोडेड होने के साथ ही वेरिएंट पे हमें डिस्काउंट देखने को मिलता है। हम प्राइस की बात करें तो 10,89,000 रुपीज एक्स शोरूम इस कार की प्राइस है। और भाई, इस कार में हमें TSI इंजन मिलता है इस प्राइस पॉइंट में, और उसके साथ ही ऑन द रोड प्राइस की अगर बात करें तो 12,70,000 रुपीज इस कार की ऑन द रोड प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, तो इस स्कोडा स्लेविया बेस वेरिएंट में हमें सिग्नेचर स्टाइल में ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि काफी सुंदर यहाँ पे लगती है, जिससे कि हमारी कार का जो लुक है वो काफी ज्यादा इन्हांसमेंट इस ग्रिल की वजह से आती है। और भाई, यहाँ पे हमें स्कोडा का लोगो देखने को मिलता है। हेडलैम्प की अगर बात करें, हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं विद 2 रिफ्लेक्टर्स के साथ। DRLs भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। भाई मतलब बेस वेरिएंट में भी DRLs हमें इस कार में देखने को मिलते हैं, जिससे कि और भी इस कार का लुक जो है वो इन्हांस हो सके और अच्छी खासी हमें यहाँ पे रोशनी मिल सके। इस कार में हमें किसी भी टाइप के फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलते भाई, फॉग लैम्प। लेकिन आप इस कार में आप आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प लगवा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि फॉग लैम्प नहीं दिए तो ये कार आपको अच्छा फील नहीं करवाएगी, लेकिन आपको ये कार इस डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा फील देगी। ओवरऑल इस कार के अगर हम विड्थ की अगर बात करें तो 1752 mm, मतलब 1752 mm की विड्थ इस कार की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्रिल के साइड्स में जो क्रोम हमें यहाँ पे मिलती है ना, तो उस क्रोम की वजह से आपको ये कहीं से भी फील नहीं होगा कि आप एक बेस वेरिएंट चला रहे हो। तो गाइज, अगर हम इस कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो 4541 mm 4541 का लेंथ हमें इस कार की देखने को मिलती है। और भाई, इनके जो क्वालिटी कंट्रोल्स एंड फिट एंड फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है, मतलब भाई क्या ही बताए, मतलब एच टू एच यहाँ पे मैच होती है, हमें यहाँ पे लगती है भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइज, इस कार में हमें 2651 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जिससे कि अच्छी खासी लेगरूम हमें इस कार में मिल सके और अच्छी खासी जगह यहाँ पे हमें मिल सके। और भाई, अगर हम बात करें इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो बहुत ही अच्छा, मतलब 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आराम से कहीं भी अगर आप जाते हो गांव साइड में, गांव देहात के साइड में, तो आराम से ये कार, ये जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो स्पीड ब्रेकर आराम से क्रॉस कर देगी। मतलब आपको आपके जो गाड़ी नीचे से डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं 179 mm के ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। और भाई, बेस वेरिएंट होने के बाद भी इस कार में हमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे डंडी वंडी कुछ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। गाइज, रियर प्रोफाइल के बारे में, तो इस कार में हमें भाई पीछे के साइड में स्कोडा की क्रोम में ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है, और उसके साथ ही स्लेविया की जो ब्रांडिंग वो साइड में दी गई है। और भाई, सबसे मेन बात है कि इस कार में हमें किसी भी टाइप का स्पेसिफिक जो वेरिएंट, ये जो एक्टिव वेरिएंट है ना, तो ये एक्टिव नाम की कार पे ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती। मतलब वेरिएंट नाम से जो कार जो आती है, ये बेस वेरिएंट है, तो आपको ऐसे कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि आप एक बेस वेरिएंट चला रहे हो। तो और भाई, मेन बात ये भी है कि ये कार किसी भी एंगल से बेस वेरिएंट लगती ही नहीं। मतलब फिट एंड फिनिशिंग, एच टू एच मैचिंग और कलर वलर, मतलब भाई एक नंबर। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर, नीचे के साइड में रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, और भाई कुछ इस तरह के लुक्स हमें इस कार में देखने को मिलते हैं विद 45 लीटर पेट्रोल टैंक के साथ। 195/65 R15 की हमें यहाँ पे टायर प्रोफाइल भाई देखने को मिलती है विद व्हील कवर के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि बेस वेरिएंट है तो स्टील रिम ही इस कार में हमें मिलती है। तो 581 लीटर का बूट स्पेस हमें इस कार में देखने को मिलता है। मतलब भाई, सेडान है तो सेडान के कुछ इस तरह के तो फायदे यहाँ पे होते हैं। और भाई, अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो कुछ इस तरह का इंटीरियर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है विथ सॉफ्ट टच के साथ, और चारों हमें पावर विंडोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब बेस वेरिएंट है तो सिर्फ फ्रंट के 2 मिरर के ही नहीं, कि मतलब चारों हमें विंडोज यहाँ पे भाई देखने को मिलते हैं। सो गाइज, इस कार में हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिलता है भाई। और भाई, इसके साथ ही हमें जो हेडरेस्ट होते हैं ना, तो वो पाँचों के पाँचों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बेस वेरिएंट है तो सिर्फ आगे के फ्रंट के सीट से ही हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं भाई, मतलब पाँचों के पाँचों हेडरेस्ट हमें यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। और भाई, अगर हम बात करें स्टेयरिंग के बारे में, तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला
क्रोम और ग्लॉसी कॉम्बिनेशन में स्कोडा का जो लोगो है वो स्टेयरिंग पे देखने को मिलता है, जिससे कि चलाने वालों को भी काफ़ी अच्छा फील आ सके। तो कुछ यही कहानी है भाई हमारे स्कोडा स्लेविया के कंफर्ट के बारे में। और अगर हम बात करें स्टेयरिंग की, तो हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाइज, इस स्कोडा स्लेविया बेस वेरिएंट में हमें 7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। और भाई एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्कोडा स्लेविया में चल जाते हैं। और भाई अगर हम बात करें, मेन है इसका इंजन, तो इस कार में हमें 1 लीटर का TSI इंजन, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 118 BHP और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया पावर यहाँ पे हमें मिल जाती है। और भाई ABS, EBD और ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें इस कार में मिलते हैं। सो गाइस, तो यही कहानी थी स्कोडा स्लेविया बेस वेरिएंट की। अगर मैं आपको ऑफिशियली अगर प्राइस बता दूँ, तो ऑलरेडी ऑफिशियली इस कार की जो प्राइस है वो 50,000 rupees से कम हो चुकी है, और एक्स शोरूम 10,89,000 rupees और ऑन द रोड 12,70,000 rupees तक ये कार हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइज, इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छी कार, ड्राइविंग डायनेमिक्स हमें इस कार में अच्छे मिल जाते हैं। तो गाइज, कुछ यही कहानी थी स्कोडा स्लेविया बेस वेरिएंट एक्टिव की। अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रथमेश अदमने, क्योंकि जल्दी ही हमें 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।